फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। ये देखने में जितना प्यारा है, बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको समझाने के लिए इसमें 42 चैन बुनी है, 42। अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। तो आपने देखी, 1 2 3 4 चार चैन स्किप करके फिफ्थ में आपने देखिए इस तरह से 1 2 3, यानी आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है हर चैन में। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए, मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें 37 टाइम बुना है। ये 37 है, यानी 37। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, अब हमने इसको 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे। और तीन चैन बुनने के बाद ये देखिए एक बल लेंगे और ये देखिए ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये चैन लगा के 6 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 चौथे में हमने इस तरह से पफ स्टिच डालना है। तो 1 2 3 4 5 और अब इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 स्किप करके 4 में हमने इस तरह से देखिए हमने 4 बीच में स्किप कर दिए, 1 2 3 4 और 5वीं में हमने बुन लिया है। अब हमने फ्रेंड्स हर चैन में ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 2 होगा, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हमने बीच में 11 टाइम यानी 11 बार बुन लिया है। अब हमने फिर क्या करना है, देखिए 1 2 मैंने 11 टाइम बुन लिया है और ये देखिए 1 2 3 4 चैन बुन ली है। अब देखिए एक बल लेके फिर से पफ स्टिच डालना है। तो देखिए 1 2 3 4 स्किप करके 5वें में हमने इस तरह से पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ हमने फिर से किनारे के बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से हमारी, देखिए फ्रेंड्स देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो बुनेंगे। 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और ये देखिए यहाँ
एक दो तीन और दो चार। देखिए चार बनाए, पहले छह थे अब चार हो गए। अब आपने देखिए एक चैन बनने के बाद एक बल लेना है और यहाँ देखिए आपने देखिए इस तरह से आपने देखिए एक बड़ा सा आपने फंदा बनाना है। यहाँ नहीं कि आपको यहाँ से पफ स्टिच बनाना है आपने। एक दो तीन चार पांच और अब इन सबको एक साथ इस तरह। फिर देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से एक, फिर इसके बीच में दो, फिर इस जाली में तीन, इस तरह से। फिर आपने क्या करना है देखिए, एक चैन बनने के बाद आपने एक पफ स्टिच लेना है इस तरह, एक दो तीन चार पांच और इन सबको इस तरह से एक बार बुनना है। फिर आपने एक बल लेना है, एक स्किप करके यहाँ आपने इस तरह से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। अब देखिए ये 11 थे, ये 9 हो गए। फिर आपने एक चैन बुन के एक पफ स्टिच बनाना है। हमने फिर से तो एक बड़ा सा फंदा रखिए, एक दो तीन चार पांच और इन सबको एक साथ बुन लीजिए इस तरह। फिर देखिए इस जाली में यहाँ एक बार बुनेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर देखिए इस पफ स्टिच के बीच में बुनेंगे दो और एक देखिए इस जाली के जाली में बुनेंगे तीन। फिर एक बार आपने इस तरह से देखिए फिर पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पांच और फिर इन सबको एक साथ बुनना है। और अब देखिए एक स्किप करके यहाँ आपने बुनना है, यहाँ फोर टाइम बुनेंगे, एक एक के बाद ये देखिए दो तीन चार इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। इस तरह से थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फोर रो बुनेंगे, तो फोर रो के लिए देखिए एक दो तीन चार और इसे पलट लेंगे और ये देखिए एक दो तीन और एक चैन लगा के चार हो गए। चार के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, छः चैन बनेंगे और ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बनेंगे, एक दो तीन फिर एक दो तीन चार पाँच छ, छः के बाद देखिए यहाँ अब आपने हर चैन में ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, दो तीन
चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छः के बाद आपने देखी ये तीन जो मैंने सिंगल क्रोशे से बुने थे, इसी में हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, दो के बाद इसके अंदर तीन, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः बन लेंगे और फोर टाइम यहाँ बुनेंगे, ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर रो कंप्लीट हो गई है। फाइव रो बुनेंगे, तो देखिए मैंने चार चैन बुन ली हैं, एक बार लेंगे और ये देखिए, एक, दो, तीन और एक ही चैन लगा के चार और एक जाली में बुनेंगे, चार और एक बार जाली में बुनेंगे। तो ट्रिपल क्रोशे से हमने किनारे पे फाइव टाइम बुन लिया है। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, चार चैन बुनेंगे और ये देखिए बीच में ये छोड़ देंगे सिंगल क्रोशे वाला, बीच में जो है हमने इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, देखिए फाइव टाइम बुनेंगे इस तरह, एक बार इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, चार, चार बार बुनेंगे और एक बार देखिए इस तरह जाली में यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह, और अब देखिए इन सब पर हम इसी तरह बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और एक ये जाली में ग्यारह इस तरह। फिर एक, दो, तीन, चार, एक बार लेंगे चार के बाद और यहाँ आपने फिर से पफ स्टिच डालना है इसके बीच में, एक, दो, तीन, चार। इस बार बनाने के बाद आपने सबको एक साथ इस तरह से बुनना है। फिर देखिए एक, दो, तीन, चार और एक बल्ली के, फिर आपने यहाँ जाली में यहाँ भी आपने जैसे इधर किनारे पे बनाए थे फाइव टाइम इसी तरह बुनना है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये फूल बन गए। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमने जो सिक्स रो बनानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट हो गए, सिक्स रो बुनेंगे। देखिए एक, दो, फिर एक, दो, तीन, चार, चार। देखिए फ्रेंड्स, हमने थ्री टाइम बुन लिया है एक चैन लगा के और दो बार बुना, तीन हो गए, एक स्किप करेंगे और यहाँ बुनेंगे देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से। ये देखिए चार चैन बुन ली, फिर हमने ट्रिपल क्रोशे से बुन दिया। देखिए इस जाली में बुनेंगे हमने, एक, दो, तीन, चार,
पांच, देखिए फाइव टाइम बुनेंगे और एक देखिए इसके बीच में बुनेंगे, यहाँ छः, छः के बाद देखिए सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, देखिए इस तरह से ये हमारे इलेवन टाइम हो गए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और चार चैन बुनने के बाद फिर देखिए हमने देखिए एक दो तीन चार, चार और एक इस पे बुनेंगे हम पांच जाली पे नहीं बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे इलेवन टाइम हो जाएंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, चार बुनेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार और एक, चार के बाद ये फाइव में बुनेंगे, चार स्किप कर देंगे इस तरह। एक यहाँ पर अब हमने यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार और पांच इस तरह से एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम ये हमारे बीच में जाली आ गई इस तरह, एक फिर ये देखिए दो तीन चार पांच, देखिए जाली में हमने फाइव टाइम बुना। फिर इसके बाद देखिए ये बीच में जो पफ स्टिच है इसके बीच में बुनेंगे, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस के बाद ग्यारह, देखिए इस पे बुनेंगे। फिर एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए एक स्किप करके यहाँ आपने किनारे पे जैसे शुरू में हमने इस डो की तीन बार बुना था इसी तरह हम इस पे भी तीन बार बुनेंगे, दो और एक ये हमारा तीन इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप फ्रेंड्स देखिए जो फूल वाले डिजाइन है वो यहाँ आएगा, जैसे मैंने ये नीचे का बुना है अब आपने यहाँ बुनना है और ये जो आपकी ये तो प्लेन था ये यहाँ बनेंगे। तो बस आपने इसी तरह रिपीट करना है और आपका बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।